सन 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। रास्ते में आने वाले प्रदेशों को लूटता हुआ वह दिल्ली की तरफ बढ़ा। उस समय मुगलों की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला बैठा था। जब उसे इस आक्रमण के बारे में बताया गया कि नादिर शाह की फौजें हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत में घुस आई हैं, तो मोहम्मद शाह ने जवाब दिया, हनुज दिल्ली दूर अस्थ, अर्थात अभी दिल्ली बहुत दूर है। नादिर शाह ईस्वी सन 1739 को गर्मियों में करनाल तक आ पहुँचा। करनाल में बादशाह मोहम्मद शाह के सेनापति मीर बख्शी खाने दौरा ने नादिर शाह का मार्ग रोका। मुगल सैनिक लश्कर अत्यंत विशाल था। ये बावर्चियों, गवैयों, कुलियों, नाइयों, धोबियों, श्रमिकों, खंजारियों और विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों से बना था। भला यह नादिर शाह के ईरानी फौज का सामना क्या करते। ईरानी फौज ने इन्हें आसानी से परास्त कर दिया और दिल्ली में प्रवेश कर गए। हार से बिलबिलाए मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह का लाल किले के दरवाजे पर खड़े होकर स्वागत किया तथा उसे दीवाने खास में ले जाकर अतिथि की तरह रखा। उसकी खूब खातिरदारी की गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुगल बादशाह का रिश्तेदार हो। लेकिन इस खातिरदारी का नादिर शाह पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बादशाह को सिंहासन से नीचे उतारकर बैठने को कहा और खुद मयूर सिंहासन पर बैठकर अपने आप को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। दिल्ली की मस्जिदों में नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और टकसालों में उसके नाम के सिक्के ढाले गए। अगले एपिसोड में जानिए कि खुद को बादशाह घोषित करने के बाद आखिर नादिर शाह ने ईरान लौटने का निश्चय क्यों किया।